दिल्ली में यमुना का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल छठ पूजा के आसपास यमुना में झाग आने से यह समस्या और विकराल हो जाती है। यमुना के प्रदूषण को हटाने वाले अरविंद केजरीवाल के वादों को पिछले कई सालों से दिल्ली के लोग सुनते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2015 से दिल्ली की सफाई का वादा करते आ रहे हैं और वो हर साल 5 साल की डेडलाइन का वादा करते हैं और अगले साल इस डेडलाइन को फिर 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का दावा है कि छठ पूजा से पहले यमुना साफ कर ली जाएगी, क्योंकि यमुना नदी पर स्पेशल केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है जिस यमुना का झाग खत्म हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती यमुना नदी के झाग को साफ करने के लिए नाव में बैठकर यह स्प्रे कर रहे हैं। ये कल यानी 16 नवंबर का वीडियो है जिसमें आम आदमी पार्टी यमुना की सफाई का दावा कर रही है, जबकि ठीक एक दिन पहले यमुना का यह हाल था जिसमें झाग ही झाग दिखाई दे रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी इसका ऐसे प्रचार कर रही है कि यमुना से मान लीजिए प्रदूषण ही खत्म हो गया, जबकि ये टेम्पररी इलाज जैसा है कि आपने स्प्रे कर दिया और झाग थोड़ी देर नहीं दिखेगा। अब छठ पूजा के लिए इसमें डुबकी लगाई जा सकती है। छठ महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन हर बार सियासत इस बात को लेकर होती है कि यमुना कब साफ होगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था यमुना को साफ करने का भार उनके कंधों पर है, लेकिन उनके ही तमाम मंत्री यूपी और हरियाणा पर इस बात का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि यमुना में गंदगी के लिए सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सबसे पहले राजधानी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले इस कालिंदी कुंज घाट की, और आप देखें तो यहाँ पर जो पानी उधर से गिर रहा है ओखला बैराज के पास का यह हिस्सा है, वहां पर अगर आप देखें इस पानी के गिरने के साथ ही जबरदस्त फोमिंग प्रोसेस जो है इस पानी में शुरू हो जाता है। लेकिन बॉस, स्प्रे से झाग तो खत्म हो गया लेकिन यमुना का पानी साफ? जो श्रद्धालु उसमें डुबकी लगाएंगे वो झाग में नहीं लगाएंगे। चलिए वो झाग वाली फोटो नहीं आएगी, आपकी फजीहत जाएगी, लेकिन उसकी सेहत का क्या होगा, उसकी स्किन का क्या होगा जो ऐसे गंदे पानी में लोग डुबकी लगाएंगे। यमुना में झाग की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यमुना इज रेडी फॉर छठ पूजा, यानी छठ पूजा के लिए यमुना तैयार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये नहीं बता रही कि यमुना में अब भी इतना प्रदूषण है कि इसमें डुबकी नहीं लगाई जा सकती। यमुना से सिर्फ झाग हटा है, जबकि इसमें इतना प्रदूषण है कि इसका पानी छूने के लायक भी नहीं है। डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसे आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता एक बड़ी उपलब्धि की तरह गिना रहे हैं। सुनिए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी क्या कह रही है। उसको दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पे जो फूड ग्रेड केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनका छिड़काव हो रहा है। छिड़काव शुरू हो गया है, कई सारी नावों में, 10 नावों में छिड़काव करने वाली टीम्स ने अपना काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। आने वाले 2 दिन में वो फॉर्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगी कि जो ये सारा फॉर्म आता है ये यूपी इरीगेशन के बराज से वहाँ पर कालिंदी कुंज से आता है, तो अभी तो छठ के समय हम ज़रूर उसका अरेंजमेंट करेंगे कि दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन मेरा यूपी की इरीगेशन से भी, यूपी की सरकार से भी आग्रह है कि वो अपना प्रदूषित पानी दिल्ली ना भेजे। उधर यमुना में प्रदूषण को लेकर अब ब्लेम गेम भी शुरू हो गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अब यूपी सरकार को भी यमुना में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यमुना नदी पर कालिंदी कुंज बैराज यूपी सरकार के अधिकार में आता है, इसलिए प्रदूषण की जिम्मेदारी यूपी सरकार की। अरे बॉस, पिछले 7-8 साल से तो खुद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली की यमुना को इतना साफ कर देंगे कि दिल्ली के लोगों को डुबकी लगवा देंगे, और यमुना सफाई की जिम्मेदारी खुद अरविंद केजरीवाल ने ले रखी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोग यमुना के प्रदूषण के लिए यूपी सरकार पर बिल फाड़ रहे हैं। आपको सोमनाथ भारती का कल का बयान और अरविंद केजरीवाल का 2 साल पुराना बयान सुनवाता हूं, जिसमें यमुना प्रदूषण को हटाने की जिम्मेदारी तय की गई थी। मैं ये देख पा रहा हूं कि जो फोम का क्रिएशन है वो कालिंदी कुंज बराज के उस तरफ बिल्कुल नहीं है, उसके इस तरफ ही है, और वो इसलिए है क्योंकि एक हाइट से गिरता है पानी। जब हाइट से पानी गिरता है तो सल्फेक्टेंट और फास्फोरस का रिएक्शन हो जाता है और वो फोम बन जाता है। ये फोम हार्मलेस है, और प्रयास से हम ये कर रहे हैं कि हम लोग डोजिंग करके, फूड क्वालिटी केमिकल की डोजिंग करके फोम को ख़त्म कर दें। अगर थोड़ा साथ मिल जाए सबका तो ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। कुछ जो फैक्टर्स हमारे हाथ, जैसे कालिंदी कुंज बराज जो है हम यूपी सरकार के हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, तो जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उसका थोड़ा सा हमें साथ चाहिए होता है। इसलिए इस बार हम लोग हर प्रकार से प्रयास ही कर रहे हैं कि सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में रहे। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। यमुना में प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल पिछले 8 साल से सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, लेकिन ये भरोसा अब तक पूरा नहीं हो पाया।
आज आपको यमुना में प्रदूषण के को का क्या हाल है यह भी बता देता हूं। अगस्त 2023 में एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले डेढ़ साल दिल्ली में 10% सीवेज जनरेशन बढ़ा है, यानी यमुना में सीवर का पानी 10% ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज का पानी जो सीधे यमुना में बहाया जा रहा है उसका स्तर भी 22% बढ़ गया है, जबकि नियम यह है कि किसी भी यमुना में सीवेज के गंदे पानी को साफ किए बिना बहाया नहीं जा सकता। 2017 से 2022 के दौरान निजामुद्दीन पुल पर बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल 23 मिलीग्राम प्रति लीटर से बढ़कर 100 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया। बीओडी से नदी में प्रदूषण का स्तर नापा जाता है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला बैराज पर बीओडी का स्तर 26 मिलीग्राम प्रति लीटर से बढ़कर 69 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया है, यानी दिल्ली के अंदर बह रही यमुना में प्रदूषण का स्तर लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। और ये लोग झाग हटाकर बहुत खुश हैं, बता नहीं रहे कि वो श्रद्धालु जब उसमें इस गंदी यमुना में जो नाले के पानी से कम नहीं है जो उसकी स्थिति है, जिसको साफ होना चाहिए उसको नाले की तरह का पानी उसमें बह रहा है, उसमें डुबकी लगवा रहे हैं छठ व्रतियों, और झाग खाली साफ हो गया था बहुत अच्छा चकाचक हो, खुद लगाएंगे डुबकी केजरीवाल जी। यहां आपको बता दूं कि नहाने के लिए पानी में बीओडी का लेवल 3 होना चाहिए, 3। अब आप अंदाजा लगाइए कि 60 बीओडी वाले पानी में डुबकी लगाकर आपका क्या हाल हो सकता है। जो लोग सफाई की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वही लोग जाके डुबकी लगाएंगे इस यमुना में, रोज नहाएंगे कम से कम 1 महीना इस यमुना के पानी से, तुरंत पता चल जाएगा कितनी यमुना साफ हुई है। अरविंद केजरीवाल 2015 से यमुना की सफाई का वादा कर रहे हैं, वो हर साल इस वादे को दोहराते भी हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ रहा है। सुनिए यमुना सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल के बारे में। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे लेकिन 5 साल के अंत में आप सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे, मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट, हर 15 दिन में मैं रिव्यू ले रहा हूं। यमुना सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल के वादों को सिर्फ तारीख उनकी बदलती है, मंच बदलते हैं, लेकिन यमुना का प्रदूषण स्तर वहीं का वहीं है। अब तक छठ के पावन त्योहार पर प्रेशर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार यमुना से झाग हटाकर इसकी वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि यमुना आज भी डुबकी लगाने लायक स्थिति में नहीं। बस झाग नहीं है तो फोटो खींचेगा तो झाग नहीं आएगा, बस हो गया, इतना ही तो।